कैपिटल स्मार्ट टीम में जिन जिन मेंबर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो अक्सर एक सवाल पूछते थे, कैपिटल स्मार्ट टीम में जो 400 फीट रोड है जिसके बीच में से गांव का एक रास्ता गुजरता था, उस रास्ते क्या बनेगा। तो जब गांव का टेम्परेरी एक्सेस था वो ये रोड आपको नजर आ रहा है, छोटा रोड जिस पे भी ये ट्रक्स जिसके साथ साथ मूव कर रहे हैं। इस रोड के साथ अब जो गाँव का पूरा रोड था आपको याद होगा, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ये गाँव के रास्ते में आता था। तो सोसाइटी की तरफ से उसको पूरे रोड को क्लियर कर दिया गया है। अभी इस वक्त जो साइट है वो कुछ यूं है कि ये आपका 400 फीट रोड उधर से आ रहा है, ये जहाँ से आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, और ये रोड आके बिल्कुल प्लेन सीधा करके इसको यूं गुजारा गया, और ये बिल्कुल इसके आगे कनेक्टिविटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर बी सेक्टर सी और बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटीज़ की हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो गाँव के लिए रोड होगा वो यहाँ से गुजार के साइड से वहाँ पर एक छोटा अंडरपास दिया जा रहा है, और उस अंडरपास के थ्रू जो राजड़ गाँव के लोग होंगे वो डेफिनेटली अपने घरों को कनेक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि पीछे डेफिनेटली वो काफ़ी सालों से आबाद होंगे प्रीवियसली, तो उन लोगों के लिए भी एक आज़ादी होगी कि वो अपनी ज़मीन ना छोड़ें, वो अपने उस एरिया में आबाद रहें। और कैपिटल स्मार्ट की तरफ से भी उस एरिया को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। तो अब ये जो आपका 400 फुट रोड है जो 20 लेन का रोड बन रहा है, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला एरिया जो बनता है ये गोल्फ कोर्स के साथ जो मार्की है, ये रोड आगे चलता चलता सीधा इस तरफ से कनेक्टिविटी होते होते आपको इस तरफ कनेक्टिविटी मिलेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये उन मेंबर्स के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट टीम में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, या उन मेंबर्स के लिए भी जो कैपिटल स्मार्ट टीम में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये अपडेट थी उन मेंबर्स के लिए कि जो अक्सर पूछते रहते हैं कि जो मेन 400 फुट रोड है जिसके बीच में से एक गाँव का रोड गुजरता था उस रोड का क्या बनेगा। तो ये आपको ऑल्टरनेटिव नज़र आ रहा है कि गाँव वालों के लिए ये सेपरेट ये रोड नज़र आ रहा है, ऊपर से ये सर्विस रोड आता है, ये सेक्टर डी और ई के दरमियान जो वाटर टैंक है वो आता है जो लीनियर पार्क रोड पे है, और इस तरफ आ जाएं आप ये सर्विस रोड जो है उधर से क्रॉस करता हुआ आगे चला जाता है 400 फुट रोड से लेफ्ट साइड पे होके गांव की तरफ, उधर आगे अंडरपास बनेगा छोटा, जितना मैसिव अंडरपास नहीं होगा लेकिन वो बिल्कुल साइड से कर दिया गया है जिससे 400 फुट रोड भी डिस्टर्ब ना हो और बाकी जो एरिया है वो भी गाँव के लोग भी डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है। ओवरसीज सेंट्रल के अक्सर मेम्बर कहते थे वीडियोज़ बनाए, मैं अभी सेंट्रल में खड़ा हूँ और बिलीव मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा पेस पर काम हो रहा है कि मैं आप क्या एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ पे कि राइट नाउ ये 400 फुट रोड पे देखें आपको हर तरफ मशीन नज़र आएगी। इस तरफ देखें तो आपको सिर्फ मशीनरी लगी नज़र आएगी, इस तरफ देख लें मशीनरी है सारी, इस तरफ देख लें कापटिंग वगैरह हो रही है रोड की लीनियर पार्क वाली साइड पे, ये देख लें वाटर टैंक पर काम लगा हुआ है। अच्छा जी ये 400 फुट रोड देख लें तो आपको मशीन उसकी प्रॉपर कॉम्पैक्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। ये है कैपिटल स्मार्ट सिटी, और मैं इस टाइम आज आई थिंक डेट है 29th या 30th है जनवरी की, तो ये आपको अपडेट दे रहा हूँ कि अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी में जैसे मलिक साहब ने अक्सर बातों में कहते हैं ना कि 2024 कैपिटल स्मार्ट सिटी का साल होगा, तो मेरा ख्याल है कि 2024 में कैपिटल स्मार्ट में बहुत बहुत मेजर चेंजेस आएंगी, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो आपने साल के पहले महीने में देख लिया है। ये 400 फुट रोड जो है इसे अभी एंड टू एंड ना, ये देखें यहाँ तक ना, ये बीच में वाला पार्ट कारपेटेड है, उससे आगे जाएं तो ये सी ब्लॉक और आगे जो सी ब्लॉक से आगे राइट साइड पे सिलिकॉन विलेज का एरिया है जहाँ पे 350 फुट का मेन रोड है उसको जाके कनेक्ट करेगा। तो ये चेंजेस जो हैं अभी कैपिटल स्मार्ट में आज की डेट में भी हो रही हैं, आगे मजीद जो अपडेट्स होंगी तो इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से भी आपको अपडेट करता रहूँगा। सो फिर दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे, अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के वाले कुछ मालूम चाहिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें www.makansolutions.com। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए, खुदा हाफिज़।